Hello everyone, मेरा नाम जैमिन लालवानी, first semester electrical engineering तोलानी F G Polytechnic। जैसा कि आप सबको पता है कि आज इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल गया है और पूरी दुनिया में 400 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया इंटरनेट यूजर्स के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। पर आपको पता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे एक क्लिक करते ही आपके पास कोई भी मैसेज, फोटो या वीडियो पहुंच जाता है, कैसे आपकी स्क्रीन बदलने और एक क्लिक करने के बीच क्या क्या हो जाता है, क्या आपको पता है ये सब कैसे होता है? अगर नहीं तो एज अ पार्ट ऑफ बी सी एन आई टी प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे होता है। तो चलिए अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमारे फर्स्ट टॉपिक सर्वर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी जो वीडियो देख रहे हो ये भी एक तरह का डेटा है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये डेटा आप तक कैसे पहुंचा? मतलब ये डेटा तो सिर्फ मेरे डिवाइस में ही स्टोर था, तो आखिर आप तक कैसे पहुंचता है? तो ये सब होता है सर्वर के मदद से। सर्वर एक इंटरमीडिएट डिवाइस है जो कि मेरे और आपके डिवाइस के बीच होता है, और आज इंटरनेट पर जितना भी डेटा है वो सब इस सर्वर में ही मौजूद होता है, और जैसे जिसकी डिमांड होती है उसको उस हिसाब से ये सर्वर डेटा का सप्लाई करता है। तो ये तो बात हो गई कि सर्वर कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं कि सर्वर किससे कनेक्टेड होता है। तो देखिए हमारा मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, वो सर्वर्स के थ्रू इंटरनेट से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरनेट एक अंडरग्राउंड वायर है जो कि ओशंस के थ्रू होती है और वर्ल्ड दुनिया से कनेक्टेड रहती है, और यही अंडरग्राउंड वायर हमारे नज़दीकी सेलफोन टावर से कनेक्टेड होती है, और इन्हीं सेलफोन टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जिनकी मदद से आपके सर्वर्स तक सिग्नल्स पहुँचते हैं और आप अपने डिवाइस में इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि सर्वर कैसे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो चलिए अब हम हमारे सेकंड टॉपिक आईपी एड्रेस के बारे में जानते हैं। आईपी एड्रेस को हम पोस्टल सर्विस के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आप तक उसी तरह डेटा पहुँचता है जिस तरह आपके घर पर पोस्ट से आया एक लेटर आता है, जिस तरह आपके घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है और वो उस लेटर पे लिखा होता है। ठीक उसी तरह इंटरनेट से जुड़े हर एक डिवाइस, सर्वर और वेबसाइट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, और ये आईपी एड्रेस इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपका डेटा किधर और ना चला जाए, क्योंकि इंटरनेट पे इतने सारे सर्वर्स, डिवाइसेस और इतना सारा डेटा होता है तो सही जगह पे कैसे जाता है? तो ये सब होता है आईपी एड्रेस की मदद से। आईपी एड्रेस एक नंबर के फॉर्म में होता है क्योंकि कंप्यूटर्स मैथमेटिक्स की लैंग्वेज अच्छे से समझते हैं, इसीलिए ये आईपी एड्रेस नंबर के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 72.14.205। ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर एड्रेस कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट, डिवाइस या सर्वर के लिए होता है। तो अब मैं आपको डोमेन नेम के बारे में बताऊंगा। डोमेन नेम मतलब कोई भी वेबसाइट का एक पर्टिकुलर नेम, जैसे कि www.youtube.com या फिर www.google.com, ऐसे कई सारी वेबसाइट्स के एक पर्टिकुलर नेम होते हैं। तो ये डोमेन नेम रखना क्यों जरूरी है? डोमेन नेम इसीलिए होते हैं क्योंकि आपके डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा पहुंचता है तो वो जल्द से जल्द पहुंच जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, तो इतने सारे वेबसाइट, सर्वर्स और डिवाइसेस के आईपी एड्रेस याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है और उन्हें सर्च करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए इनके एक अलग अलग डोमेन नेम रखे जाते हैं। तो जैसे ही आप कोई भी सर्च इंजन जैसे कि गूगल या फिर याहू पे ये डोमेन नेम लिखते हैं तो उसके सर्वर तक अपने आप वो आईपी एड्रेस पहुंच जाता है, और जल्द से जल्द वो आईपी एड्रेस के थ्रू वो दूसरे ऐसे डिवाइस तक वो अपना डेटा पहुँचा देता है जिसे आप पहुँचाना चाहते हो। तो दोस्तों आपको डोमेन नेम के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अब हम ये बात करते हैं कि आखिर डेटा किस फॉर्म में पहुंचता है, डेटा कैसे पहुंचता है ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन डेटा किस फॉर्म में पहुंचता है ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी कोई डेटा एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक जाने के लिए निकलता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है जिसे हम डेटा पैकेट्स कहते हैं, और ये डेटा पैकेट्स अपने डेस्टिनेशन वाले सर्वर तक पहुंचने से पहले
फिर से एक साथ मिल जाते हैं और एक डेटा बन जाते हैं और फिर आपके डेस्टिनेशन वाले सर्वर तक पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि आपके डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड और जल्दी हो जाए और आपको जल्द से जल्द आपका डेटा मिल जाए। तो अब हम हमारे फोर्थ टॉपिक राउटर के बारे में समझते हैं। राउटर सर्वर्स की तरह ही इंटरमीडिएट डिवाइस होते हैं, लेकिन वो सर्वर से थोड़ा अलग होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सर्वर्स में इंटरनेट का सारा डेटा पहले से ही मौजूद होता है और अपने हिसाब से ही सप्लाई करता है डेटा का, लेकिन राउटर सर्वर की मदद से डेटा को लेते हैं और फिर वो अपने अगले ऐसे राउटर तक पहुंचाते हैं जो डेटा के डेस्टिनेशन से ज़्यादा करीब हो, और इस वजह से आपकी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड बढ़ भी जाती है और आपका डेटा सही सलामत सही जगह पर पहुँच भी जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इंटरनेट के चार एलिमेंट्स के बारे में बताया। फर्स्ट सर्वर, सेकंड आईपी एड्रेस और थर्ड डोमेन नेम और फोर्थ राउटर्स। तो दोस्तों, इन चारों एलिमेंट्स की मदद से इंटरनेट कैसे काम करता है यह आपको समझ में आ गया। थैंक यू।